स्टूडेंट्स क्लास 8, टुडे आई एम गोना टीच यू योर टेक्स्ट बुक्स फर्स्ट पोएम, वेदर द माइंड इज़ विदाउट फेयर। इट वॉज क्रिएटेड बाय रवीन्द्रनाथ टैगोर, द नोबेल प्राइज विनर। आई एम टेलिंग यू अबाउट अ लिटिल अबाउट हिम। रवीन्द्रनाथ टैगोर वॉज अ बेंगोली पोएट। रवीन्द्रनाथ टैगोर एक बेंगोली पोएट थे, नॉवेलिस्ट, उपन्यासकार थे, पेंटर, कलाकार थे, एजुकेटर एंड शिक्षा शास्त्री थे। ही इज ऑल्सो नोन फॉर हिज इनोवेशन इन मॉडर्न इंडियन आर्ट एंड म्यूजिक। उन्होंने भारतीय संगीत और भारतीय कला में भी बहुत कुछ नया किया था। ही वॉज द फर्स्ट एशियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913। वो पहले एशियन थे जिन्होंने 1913 में नोबेल पुरस्कार जीता था साहित्य के लिए। ही कंपोज्ड इंडियन नेशनल एंथम, उन्होंने राष्ट्रीय गान रचित किया था। सम ऑफ हिज बेस्ट नोन वर्क आर पोस्ट मास्टर, गोरा एंड ब्रोकन नेस्ट। इनके कुछ प्रसिद्ध कर्म जो उन्होंने रचना की वो इस प्रकार हैं। तो आज मैं आपको पोइम पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। इसकी पोइम की जो PDF है वो मैंने इसके साथ भेज दी, वो भी आप पढ़ सकते हैं आपको अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो। विद द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। जहाँ पर आपका दिमाग स्वतंत्र है, आपका सिर जो मस्तिष्क जो है स्वतंत्र है और सिर गर्व से ऊंचा है। जहाँ पर आपका जो मन मस्तिष्क है वो स्वतंत्र और सिर गर्व से ऊंचा है। वेदर नॉलेज इज फ्री, जहाँ पर ज्ञान स्वतंत्र है, आप कितना भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, कहीं भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। आपके पास केवल दो चीज़ें होनी चाहिए, समय और पैसा। वेदर द वर्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इन टू द फ्रेगमेंट। जहाँ पर एक ऐसा संसार हो, कभी एक ऐसे संसार की कल्पना करता है जहाँ पर एक ऐसा संसार हो जो आपस में बटा ना हो बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, आपसी झगड़ों में बीच की दीवारें ना हो। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ पर हृदय की असीम गहराइयों से निकलकर सच आए। जहाँ पर सच दबा ना हो बल्कि हृदय की असीम गहराइयों से निकलकर आए। वेयर टायरलेस स्ट्रिपिंग स्ट्रेचलेस इज ऑन टूवर्ड्स परफेक्शन, जहाँ पर लोग बहुत संघर्षशाली हों और पूर्णता तक, जब तक वो पूर्ण ना हो, पूर्णता तक संघर्ष करते रहें। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट स्पे, जहाँ पर लोगों के उद्देश्य एकदम स्पष्ट हों। इनटू द डेरी डेजर्ट सेंट ऑफ हैबिट, और वे धूल मिट्टी में ना मिलें। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, जहाँ पर मस्तिष्क हमेशा चले आगे बढ़े। इनटू ओवरवाइंडिंग थॉट ऑफ एक्शन, हमेशा कर्मशील होने के लिए, हमेशा कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, कुछ कर्मशील होने के लिए, हमेशा उस देश के लोगों का दिमाग इस तरह से चले। ये कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम। हे मेरे स्वर्ग के पिता, लेट माई कंट्री अवे, मेरे देशवासियों को जागृत कर उन्हें जगा कि वो अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने मातृभूमि के लिए उठकर खड़े हों और उसे अच्छा बनाने के लिए कोशिश करें। वो ये ना समझे कि स्वर्ग कहीं और है, वो ये समझे कि ये पृथ्वी ही स्वर्ग है और इस पृथ्वी को ही अपने अच्छे कर्मों से, अपने अच्छे आदतों से, अपने अच्छे संस्कारों से स्वर्ग बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसी प्रार्थना कभी करता है प्रभु से, परमेश्वर से, किसके लिए? अपने देशवासियों के लिए, भारतवासियों के लिए, ठीक है, अपने भाई बहनों के लिए। तो आई थिंक बच्चों ये आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट टर्न में इसकी एक्सरसाइजेज मैं आपको भेज दूंगा और इसके साथ पोइम की फ्रंट पेज है और ये वाला पेज है, इसके साथ मैंने PDF के साथ भेजी हुई, आप देख लीजिएगा, पोइम अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ओके बच्चों, एक्सरसाइज नेक्स्ट टर्न में।